जय नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आवाज को मोटा किस तरीके से किया जाता है। म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सेलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो वीडियोस को आप पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि आप बड़ी आसानी तरीके से समझ सके और सीख सके। अगर आप पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए काफी वीडियोस का लिंक है, जिनको देखकर आप काफी बेसिक वीडियोस का लिंक है जिनको देखकर आप बड़ी आसानी तरीके से क्यू एस 5 एडवांस ऑडियो एडिटिंग को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहां आपके लिए काफी खास खास वीडियोस का लिंक अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं इनको, और सबसे पहले मैं इनको सुना देता हूं, देन उनके बाद इनके अंदर क्या लगा हुआ है। अभी कुछ लगा हुआ नहीं ज्यादा, कुछ ही चीज लगा हुआ है जिनसे ये हो पाया है। जो चीज मेन होता है वही सारा चीज इसमें पुट किया गया है। बाकी अगर और भी इसकी वोकल आप बनाना चाहो तो खुद से बना सकते हो। तो मैं इनको प्ले करता हूं और सुनाता हूं। तो आपने सुना, और अगर मैं इनको सुनाऊं नॉर्मल में तो ये नॉर्मल वोकल है जिस तरीके का होता है सभी का। ये कुछ अगर आपको लग रहा है मोटा वोकल्स होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको बनाया गया है, ठीक है। तो मैं इनको प्ले करके सुनाता हूँ एक बार। भनी जवानी बाबे चढ़ल जवानी चुआ तनी चवा से भौजी रे पानी, भनी जवानी बाबे चढ़ल जवानी चुआ तनी चवा से भौजी रे चाही, जिंदगी में हमारा बाहर चाही। तो आप देख सकते हो नॉर्मल ही वोकल है, बट अगर आप इनको मोटा करना चाहो तो एक यहाँ से कर सकते हो, इफेक्ट से नहीं होगा ये, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ये इफेक्ट से होगा तो इफेक्ट से नहीं होने वाला है। तो इफेक्ट यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया मैं उनको दिखा देता हूँ खोल के, देन अगर आपको लग रहा हो इफेक्ट से हुआ है तो आप इफेक्ट भी अप्लाई करके देख लेना। जो मेन ये हो पाया है वो बताता हूँ किस तरीके से हो पाया। तो सबसे पहले इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग। सीवन कंप मोनो अगर आप यूज़ करना चाहो तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीसेट आप देख सकते हो क्या लगा हुआ है, सारा कुछ ओपन है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इनको मैं कट करता हूँ, अगर आप जल्दी में हो तो आप वीडियोज़ पॉज करके देख लेना, फिलहाल मैं इन्हें कट करता हूँ। ये ऑटोटून लगा हुआ है, अगर आप ऑटोटून का यूज़ करना नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऑटोटून का वीडियोस अवेलेबल है। इन्हें कट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ L2 मोनो है, L2 मोनो के अंदर फुल रीसेट किया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे वोकल कास्टर पे भी डाल के देख सकते हो, इसमें ज़्यादा क्वालिटी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे DBX लगा हुआ है और DBX भी फुल रीसेट है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो भी इफेक्ट्स अप्लाई है वो नॉर्मली फुल है, जो मतलब इफेक्ट्स अप्लाई करा और बाय डिफॉल्ट जो भी उसके अंदर सेटिंग्स किया हुआ रहता है वही सारा है। बट मोड डिले के अंदर थोड़ा चेंजेस करा हुआ है, जो यहाँ 1/8 करा हुआ है और यहाँ पे 13% करा हुआ है, सिर्फ मोड डिले के अंदर चेंजेस करा हुआ है। और ऑटो ट्यून तो इसके लगाने के लिए चेंज करना ही पड़ता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये कैसे हो पाया है, तो ये हो पाया है EQ से, मतलब इक्वलाइजर से। और सबसे पहले इन EQ को मैं बंद करता हूँ, देन आप देखना कैसा लगता है सुनने में ये। अभी चलिए इनको सुन के देखते हैं यहाँ से। भनी जवानी बाबे चढ़ल जवानी चुआ तनी चवा से भौजी रे पानी। तो आप देख सकते हो ये उतना ज्यादा नहीं है, बट अगर आप इनको इस तरीके से प्रीसेट EQ का प्रीसेट इस तरीके से बनाते हो जैसा कि अभी मैंने बनाया हुआ है, देख सकते हो, ऐसा बनाने के बाद इनका आवाज़ थोड़ा दब के आएगा और ज़्यादा मोटा आवाज़ आएगा, ठीक है। बेसिकली आवाज़ जब दब जाता है, इसकी फ्रिक्वेंसी दब जाती है, तो उनकी जो वोकल्स है वो आवाज़ थोड़ी मोटी आने लगती है, जिनकी वजह से ये वोकल्स मोटा हो पाता है, ठीक है। तो चलिए इनको सुन के देखते हैं अभी किस तरीके का लगता है। भनी जवानी बाबे चढ़ल जवानी चुआ तनी चवा से भौजी रे पानी, भनी जवानी बाबे चढ़ल जवानी चुआ तनी चवा से भौजी रे चाही, जिंदगी में हमारा बाहर चाही, ती बाहर चाही रे बाहर चाही अरे बाहर चाही रे, भौजी हो गई जवानी हतार चाही। तो आपने देखा ये किस तरीके से हो पाया है, और अभी अगर आप चाहो इनके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट करना
तो वो किस तरीके से हो पाएगा, बेसिक वही जानने वाले हम लोग। तो पहले जो इनके अंदर मिक्स, तो लगभग इतना पे काम चल रहा है मिक्सिंग का, और इतना पे मिक्स हो गया है, लगभग ठीक ठाक मिक्स हो गया है। तो आप एक यहाँ से एफएक्स बना सकते हो, अगर ज़्यादा आपको मिक्स करना हो तो। एफएक्स के अंदर रूमवर्क्स ऐसे इस्तेमाल कर लेना, काफ़ी अच्छा है। और इनको कट करता हूँ डायरेक्ट, बाय डिफॉल्ट जितना प्रीसेट है उतना पे ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लगभग 20% के समथिंग कर दिया। देन अभी सुनते कैसा लग रहा है? तो आप देख सकते हो किस तरीके का लग रहा है फिलहाल। अगर मैं बात करूं और भी ज्यादा, अगर आपको बेहतर बनाना हो फिलहाल, अगर इनमें आप ज़्यादा भी चीज़ अगर पुट कर देते हो यहाँ पर, तो कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। थोड़ा बहुत 2% का डिफरेंस अगर आपको ज़्यादा लग जाए तो लग जाए, बाकी इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा सुनने में। आप इन वोकल्स के ऊपर कितना भी इफेक्ट अप्लाई कर दो, बाकी जो वोकल्स बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ छेड़खानी करने वाले है नहीं। यहाँ पे सिंपल, जब वोकल आपका लगे कि हाँ मिक्स हो चुका है और वोकल्स काफ़ी अच्छे तरीके से सुनाई देने लगे, जैसा वोकल रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही मिक्स हो पाता है। तो आप ये बात समझते होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये मिक्स हो चुका है, जैसे मिक्स हो जाएगा तो इस डिवाइस पे जाके इसका मास्टरिंग कर लेंगे। मास्टरिंग प्लगइन्स में आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको म्यूज़िक को साथ साथ ले जाना है तो नॉर्मल आप मिक्स मैदर भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आप DBX 160 स्टीरियो यूज़ करके लीड वोकल ओवर कंप्रेस्ड करोगे। ध्यान रखना ये है, अभी देखो यहाँ पे मैं अगर लीड वोकल ओवर कंप्रेस्ड करा हूँ तो इसके अंदर नॉइज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इनको सुनता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे दिखाता हूँ। भौजी हो गई नी जवानी ठीक है। तो मैंने इनको सुना और आपने देखा ये किस तरीके से लग रहा है, ठीक है। अगर अभी नॉइज तो दे नहीं रहा है, ठीक है, अभी नॉइज नहीं दे रहा है। अगर आप इसके अंदर, मैं बताता हूँ कैसे, अगर आप मिक्स करोगे तो नॉइज आ जाएगा। यहाँ देखो लेवल आ रहा है, रूम वर्क एसी का भी लेवल आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें और ज्यादा क्या करोगे, ऐसा क्या कर देते हो कि नॉइज आने लगता है, तो बेसिक आप करते क्या हो, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से इस टाइप का प्रीसेट सेलेक्ट करोगे। ये भी प्रीसेट काफ़ी अच्छा होता है, बट मैं इस प्रीसेट को ख़राब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस टाइप का अगर आप प्रीसेट यूज़ करते हो, कुछ इस टाइप का प्रीसेट यूज़ करते हो, और ये अगर आप कुछ इस तरीके से आप ऊपर की ओर कर देते हो, इतना ज़्यादा ऊपर कर दोगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा वो कल। अभी सुनाता हूँ कैसा लगेगा। तो आप कोशिश करना, आप जब भी कोशिश करना मिक्स टाइम, तो ये देखो इससे ऊपर वोकल्स कि ग्राफ ले ही मत जाना, काफ़ी जाएगा तो इतना जाएगा, इतना से ज़्यादा अगर ले जाओगे तो पूरा प्रॉपर ख़राब हो जाएगा। एक तो ये काम करते हो ख़राब करने में, सबसे बेहतरीन काम यही है वोकल्स ख़राब करने की, जिससे आपका वोकल्स ख़राब होता है। देन उसके बाद आप इनके अंदर CLA यूज़ करते हो, और देखो CLA यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो अभी नहीं नॉइज़ आ रहा है, ठीक है। बाकी इसके अंदर अगर आप यहाँ से मिक्स मैजर डालोगे, देखो नॉइज़ आना स्टार्ट हो चुका है। और एक यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ मल्टी बैंड, तो और भी ज़्यादा नॉइज़ आएगा। देखो देखो नॉइज़ आने लगा, और काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आने लगा। अगर आपको नहीं लग रहा है तो यहाँ देखना, ये देखो नॉइज़ यहाँ पे आ रहा है। इनको बंद करता हूँ तो ये देखो अभी नहीं बढ़ रहा है, जब मैं बोलूँगा तभी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनमें ज़्यादा इफेक्ट अगर अप्लाई करोगे तो नॉइज़ आ जाएगा, ठीक है। पहली नंबर तो ये बात हो गया, बट वोकल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप फिर से सुन के देख लो एक बार, अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं सुनाता हूँ। अगर जैसा मैंने पहले आपको सुनाया था वैसा ही लगेगा सुनने में, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। तो चलिए सुन के देख लेते हैं एक बार, देन इफेक्ट बंद करके भी आपको सुनाएंगे। तो देखो वोकल्स अच्छा होने की जगह पे खराब ही हो चुका है, ठीक है।
तो अगर आप तो ये समझ गए होंगे अब कि वोकल्स के अंदर जितना कम इफेक्ट्स में मिक्स हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं यहाँ देखो तीन इफेक्ट्स बंद कर दिया हूँ। अभी अगर तीन इफेक्ट्स बंद हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी देगा। अगर मैं तीन इफेक्ट को चालू कर दिया था, अभी मैंने चालू करा था तो देखा आपने वोकल्स ख़राब हो चुका है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप बैक करके वीडियोज एक बार देख लो, आपको वोकल्स अभी के अकॉर्डिंग ख़राब लगेगा। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, तीन इफेक्ट अभी मैंने बंद करा है और अभी सुनते हैं इनको। ठीक है, भौजी हो गई नी जवानी हतार चाही। तो आप देख सकते हो अगर इनके अंदर कम ही इफेक्ट लग रहा है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मिक्स हो रहा है। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ अच्छे नॉलेज लिए होंगे। और इस वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक अपने दोस्तों में शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।